यू नो वॉट, 30 बच्चों को, लाइक 30 स्टूडेंट को के ड्रामा देखने की वजह से सरेआम गोली मार दी गई, लाइक सरेआम उनका कत्ल कर दिया गया, और ये जघन्य अपराध हुआ है नॉर्थ कोरिया में। वहाँ के तुम तानाशाह जो डिक्टेटर है किम जोंग, उनके बारे में तो जानते ही, उन्होंने ही 30 नाबालिगों का, मतलब जो स्टूडेंट थे जो 18 से नीचे थे, उन 30 स्टूडेंट्स को उन्होंने सरेआम गोली मरवा दी। क्यों? तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने साउथ कोरिया का ड्रामा देखा था। इन स्टूडेंट्स पर आरोप लगाया गया था कि जो साउथ कोरिया में सीरियल्स बनते हैं यानी कि ड्रामा, उनको इन्होंने देखा था। कोरियाई अखबार है जोंग आंग डेली, उसके अकॉर्डिंग कि ये घटना जो है वो, मतलब लाइक जो उनका मर्डर हुआ वो पिछले वीक हुआ था, जिसकी जानकारी अब मिली है। वहीं साउथ कोरिया का जो लोकल टीवी चैनल है चोसून, उसने भी इस बारे में बताया और कहा कि देखो वो जो बच्चे थे उन्हें पेन ड्राइव में स्टोर करके कोरियन ड्रामा मिला था, और ये पेन ड्राइव पिछले महीने सियोल से गुब्बारे के जरिए नॉर्थ कोरिया भेजा गया था। अभी देखो वहाँ के लॉ के बारे में जान लो कि वहाँ का लॉ क्या है। तो उत्तर कोरिया में यानी नॉर्थ कोरिया में जापान, कोरियन और अमेरिकन ड्रामा बिल्कुल बैन है। वहाँ केवल रूस की सिनेमा चलती है और सरकार सिर्फ वही दिखाती है जिन्हें वो सही मानती है। उनके आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो गलत है वो उन्हें नहीं दिखाएगी। और नॉर्थ कोरिया में अलग अलग से अजीब गरीब से कानून भी है, और वहाँ पे 2020 में एक रिएक्शनरी आइडियोलॉजी एंड कल्चरल रिजेक्शन एक्ट लगाया गया था, और साउथ कोरियन मीडिया को लोगों तक पहुंचाने वाले, यानी कि अगर आप साउथ कोरिया का कोई भी चीज़ मीडिया में दिखाते हैं या फिर जो लोग देखते हैं, उन दोनों को सजा है या तो 15 साल की नहीं तो मौत की। इसमें इस लॉ के अंदर बुक्स, सॉन्ग और पिक्चर्स भी शामिल हैं। अगर आप पिक्चर्स भी देखते हो, किताबें भी देखते हो, तस्वीरें भी देखते हो, तो फिर भी आप पर ये लॉ लागू होता है और आपको सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप साउथ कोरिया की लैंग्वेज या फिर सॉन्ग के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे 2 साल तक जबरन मजदूरी कराई जाती है। पिछले महीने भी 17 साल के करीब 30 नाबालिगों को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया था और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में कहा था कि नाबालिगों के पास कोरियन वीडियो मिली थी, जिसके बाद 12 साल तक उनसे मजदूरी कराई गई थी, वो भी डिफ़िकल्ट, जो हम लोगों से तो कभी ना हो। इससे पहले ये भी बताया गया था कि 22 साल का एक लड़का था, उसके पास 70 से ज़्यादा कोरियन सॉन्ग मिले थे, जिसके बाद उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो लड़का भाग गया था। अगले ही दिन उसके घर से उसकी लाश मिली, जो कि देखने में ऐसी लग रही थी जैसे उसे पीट पीट कर मार दिया गया हो। तो आप समझ ही सकते हो कि नॉर्थ कोरिया कितना गंदा है। लाइक यहाँ पर एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें किम जोंग जो है वो अपने लोगों के साथ मिलकर एक बलून में कचरा भरकर साउथ कोरिया की तरफ फेंक रहे थे। और या वो डिक्टेटर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लोगों को कंट्रोल करता है, लोगों पर अपना हुक्म चलाता है और वो मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ता।